हर खबर पहले आपके पास, बने रहे द नेक्सस एकेडमी के साथ। नमस्कार, मैं हूं शाहीन और स्वागत है आपका द नेक्सस एकेडमी के न्यूज बुलेटिन में। तो फटाफट देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। पहले हेडलाइंस, फिर खबरें विस्तार से। परेठिया क्वारंटाइन सेंटर में बिजली की समस्या। गढ़वा जिले में लॉकडाउन 4 में भी नहीं मिलेगी कोई राहत। मस्जिदों में अलविदा व ईद की नमाज पढ़ने की सशस्त्र अनुमति दे प्रशासन। हमारे न्यूज बुलेटिन में जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द नेक्सस एकेडमी को, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें इसी तरह की अहम खबरों की अपडेट्स पाने के लिए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गढ़वा सदर प्रखंड के फरठिया गांव स्थित राजकीय मध्य विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इस केंद्र में फरठिया, परतापुर आदि पंचायतों के 42 प्रवासी मजदूर को रखा गया है। इस केंद्र में लोगों की शिकायत बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर है। कमरे में लटक रहे खंभे शोभा की वस्तु बने हुए हैं। उमस और गर्मी के कारण मजदूर बेहाल दिख रहे हैं। लॉकडाउन 4 में गढ़वा जिले के लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। पूर्व की भांति जिले के नागरिकों को नियम का पालन करना होगा तथा घरों में ही रहना होगा। पलामू के अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर गुलाम गौश खान उर्फ गुड्डू खान के नेतृत्व में पलामू डीसी डॉक्टर शांतनु अग्रहरी से मिले, इन्हें मांग पत्र सौंपा। इसमें रमजान के महीने में अलविदा जुमा व ईद की नमाज मस्जिद में सशस्त्र मंजूरी देने की मांग की है। मांग पक्ष में कहा गया है कि पवित्र रमजान का महीना आखिरी दौरे में है। रमजान के बाद ईद उल फित्र की नमाज पढ़ी जाती है। इस वर्ष ईद की नमाज 29 का चांद नजर आने पे 24 मई को और चांद नहीं दिखा तो 25 मई को पढ़ी जाएगी। अलविदा जुम्मा की नमाज 22 मई को पढ़ी जाएगी। डीसी से आग्रह किया गया है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने की अनुमति दिया जाए। सभी नमाजी अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे, शारीरिक दूरी का पालन भी करेंगे। अब देखते हैं क्या लेंगे गढ़वा के डीसी फैसला। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द नेक्सस एकेडमी न्यूज बुलेटिन को। नमस्कार।